बहुत ही सॉल का वैरायटी है इनके पास, एक से एक सॉल है। दूसरा ये देखिए, आप यहाँ से वापस नहीं जाइएगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और आज मैं आपको दार्जिलिंग मार्केट का नाइट व्यू दिखाने जा रहा हूँ कि रात को दार्जिलिंग मार्केट का जो व्यू होता है वो बहुत ही सुंदर, और चारों तरफ लाइट ही लाइट है। तो आप मेरे संग बने रहें और दार्जिलिंग मार्केट के नाइट व्यू को एंजॉय करें। और अभी मैं ग्लेनरी रेस्टोरेंट की ओर जा रहा हूँ, और सिर्फ टूरिस्ट ही टूरिस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ ये जो रास्ता है ग्लेनरी रेस्टोरेंट की ओर जा रहा है, यहाँ अगल बगल में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप लोग कपड़े खरीद सकते हैं, क्योंकि ठंड बहुत अधिक है। और पूरे असगर जी देख रहे हैं, पूरे एकदम कपड़े एकदम लदे हुए हैं कपड़े से। और ये दार्जिलिंग का स्ट्रीट फूड, और यदि आप दार्जिलिंग आ रहे हैं और इस जगह पे नहीं आए तो दार्जिलिंग आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ये जगह है ये, जो भी दार्जिलिंग आते हैं यहाँ जरूर आते हैं, इसके बिना दार्जिलिंग अधूरा है। और हमारे कोलकाता से बहुत लोग ही दार्जिलिंग आते हैं, तो कोलकाता के लोगों को देखकर अच्छा लगा, क्योंकि अपनेपन का एहसास होता है, क्योंकि मैं भी कोलकाता से ही हूँ। और अभी मार्केट का जो व्यू है बहुत ही सुंदर, चारों तरफ लाइट ही लाइट और लोगों की भीड़ जिसे आप देख ही सकते हैं। और यहाँ से आप लोग कपड़े खरीद सकते हैं आराम से। दार्जिलिंग मार्केट
और ये स्ट्रीट फूड। मार्केट में आए तो स्ट्रीट फूड का मज़ा अवश्य लें। अभी यदि आप दार्जिलिंग आइएगा तो सिर्फ आपको लोग ही लोग दिखेंगे और ठंड। और अभी मैं दार्जिलिंग का क्लॉक टावर की ओर जा रहा हूँ। ये दार्जिलिंग का बहुत ही फेमस, बहुत ही पुराना क्लॉक टावर है। और इस दुकान में आपको जो चाहिए यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर गर्म कपड़ों का बहुत सारा वैरायटी है। लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सभी के गर्म कपड़े मिलेंगे। तो यदि आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो इस दुकान पे ज़रूर विज़िट करें। और सिर्फ आपको बोलना होगा कि सोनू सर ने भेजा है। और इनका जो एड्रेस है, ये जो बिग बाज़ार है दार्जिलिंग का, आइनॉक्स मॉल है, उससे एकदम सटा हुआ दुकान है इनका। और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे दूंगा, तो आप इनसे कॉल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और भैया एकदम सही दाम लेते हैं, तो आप ठगेंगे भी नहीं। यहाँ लॉन्ग जैकेट से लेके शॉर्ट जैकेट तक हर एक वैरायटी के कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो शॉल भी इनके पास है, अच्छे अच्छे जैकेट भी इनके पास है, स्वेटर भी इनके पास है। तो ज़रूर आए, आप निराश नहीं होइएगा। ये शॉल दिखा रहे हैं, बहुत ही शॉल का वैरायटी है इनके पास, एक से एक शॉल है। दूसरा ये देखिए, आप यहाँ से वापस नहीं जाइएगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक बार आप इनके दुकान में आ रहे हैं तो आपको ज़रूर चीज़ें पसंद हो जाएगी। कि भैया के पास बहुत वैरायटी है, बहुत बहुत। मैंने जो जैकेट पहना हुआ है ये भी भैया के दुकान का ही है। तो यदि आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो भैया के दुकान पे ज़रूर विज़िट करें और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। और आप यहाँ से वापस नहीं जाइएगा क्योंकि भैया के पास इतनी सारी वैरायटी है गर्म कपड़ों की। तो आप ज़रूर आएँ, आप निराश नहीं होइएगा, आपको कपड़े अवश्य पसंद आ जाएंगे।